इंफॉर्मेशन अब के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन ग्रामी, चीन का भारत पर पूरी शिद्दत से हमला, पाकिस्तान की सकर्दो एयरबेस पर चीनी तैयारों की घनघर्ज, मोदी खौफ से भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा, पाकिस्तान चीन एक साथ भारत पर खतरनाक हमला करने के लिए मुकम्मल तैयार, भारतीय मीडिया जी टीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने राह पर बिजलियां गिरा दी। पूरे कश्मीर में चीनी सदर शी जिनपिंग की तस्वीर आमेजा कर दी गई, मोदी ने शिकस्त तस्लीम कर ली और चीन से माफ़ी मांग ली। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और चीन को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि भारतीय डीवी टीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने राह पर बिजलियां गिरा दी। चीनी त्यारे पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस पहुंच गए, भारत में तबाही मचाने के लिए तैयार है, पाक फौज ने खतरनाक फैसला कर लिया। मोदी लद्दाख पहुंच गया, भारतीय वजीर आजम चीन से गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। स्कर्दू में 40 से ज्यादा चीनी लड़ाका त्यारे J-10 देखे गए हैं। समझा जाता है कि चीनी फजाइया स्कर्दो एयरबेस को हिंदुस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रही है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन और भारत की सरहद के दरमियान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में स्कर्दो एयरबेस पर चीनी फजाइया की सरगर्मी को देखा है। जी न्यूज के मुताबिक स्कर्दू में बहुत ज्यादा लड़ाका देखे गए हैं। चौंके स्कर्दू से लद्दाख का फासला 1100 किलोमीटर दूर है और वो किसी भी चीनी एयरबेस से कहीं ज्यादा करीब है, लिहाजा चीन इस एयरबेस की सलाहियतों की जांच पड़ताल भी कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सके, जिस पर उसे डबल महाज पर हमला का सामना करना पड़ सकता है। लद्दाख में भारत के खिलाफ अपने लड़ाका त्यारे चलाने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस बशमूल काशगर, हुतैन और नगरी कोरगंसा के बारे में मालूम हुआ है। ताहम इन तीनों एयरबेसों के पास हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की महदूद सलाहियतें मौजूद हैं। काशगर से फासला 625 किलोमीटर है और इसके अलावा गोरगंसा 330 किलोमीटर है। ये तमाम एयरबेस 11,000 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर तिब्बत में वाकई हैं। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर लड़ाका हथियारों के ईंधन और ले जाने वाले दोनों हथियारों को कम रखना पड़ता है, जिससे उनकी ताकत और हदूद को भी कम किया जाता है। इसके अलावा रडार से इतनी लंबी दूरी के परवास में फंसे जाने का भी इम्कान बढ़ जाता है। चीनी फजाइया के लिए स्कर्दू से कश्मीर दोनों से 100 किलोमीटर दूर है, जबकि कारगिल तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाकई है। भारतीय अड्डों पर हमला करना आसान होगा और इस एयरबेस पर 2 रनवे हैं, उनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबी या दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा है। चीनी लड़ाका त्यारे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, स्कर्दू आप जा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन अब मिलकर इंडिया पर चढ़ाई करेंगे। पाकिस्तानी फजाइया और चीनी फजाइया मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। रात गए चीनी त्यारे एयरबेस पर खड़े रहे, भारत में घुसकर वार करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने चीन से माफी मांग ली, मोदी शी जिनपिंग की मिन्नतें करने लगा। भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजीर आजम
नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब अचानक दौरा किया है और इस दौरे का मकसद भारतीय फौज के जवानों से मुलाकात और उनकी हौसला अफजाई करना था। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के अमराज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ एम एम नरवाने भी थे, तमाम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। बस इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने इलाके में भारतीय फौज के जवानों से खिताब किया है, जिसके बाद वो वहाँ से वापस चले गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने से लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। शिकस्त के बाद भारत की जानिब से भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि वो किसी भी तरह अपने शहरियों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दे, लेकिन अभी तक उसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के महाज पर चीन शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद भारत का अवेला अरूज पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई कर सकते हैं। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फौज लद्दाख में मौजूद है और भारतीय मीडिया अवेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में भी भारत पर चढ़ाई करने का ऐलान करते हुए फौजी दस्ते तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने 20,000 फौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात किया है। भारत ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन कुछ तंजीमों के साथ रबते में है ताकि वो मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई कर सके। भारत इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई के मौके ढूंढ रहे हैं। तहम इन तमाम इल्ज़ाम के बावजूद अभी तक भारत को मैदानी और लफ्जी जंग दोनों मैदानों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुतअद्दी तस्वीर हालिया हफ्तों में कश्मीरियों में मकबूल हो गई हैं। एक में चीनी वज़ीर शी जिनपिंग का चेहरा दिखाया गया है कि वो रवायती लिबास में कश्मीरी मर्द रवायती वज़ीर में खाना तैयार कर रहा है। दूसरी तस्वीर में भी ये दिखाया गया है। ये तस्वीर तंज के एक किस्म में से कश्मीरी भारत को चीन हरत रोकने में नाकामी की याद रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा स्वीडन में अपसारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वैन की राय है, कश्मीरी इस तासुर की वजह से लद्दाख तसादुम के बारे में पुरजोश हैं। मायूसी का सामना करने के बाद भारतीय कश्मीरी तनाज़े का फरीक बन गया है। खित्ते में हिंदुस्तानी अफवाज के जरिए इंसानी हकूक की संगीन बीमारियों पर बेलबानी बरादरी को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसके अलावा अशोक स्वैन ने कहा है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के मबैन कश्मीर का तनाज़ा रहेगा, फौजी आमतौर पर फातिहा पर भारत का बलदसीरा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान की आइनी तब्दीलों के साथ साथ उसकी ताकत के साथ चीन की खुली मुखालफत तसादुम में दिखाया गया है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन के मबैन खुले इतिहाद की कश्मीरियों की उम्मीद को भी जिंदा करने की कोशिश भी हो रही है। इसके अलावा जनूबी एशिया के माहिर माइकल कोजलमैन ने कहा है कि ये यकीन करने के लिए भी कोई अच्छी वजह है कि बहुत सारे कश्मीरी अपने मजलूम को नई दिल्ली के तलख हरीफ और इस्लामाबाद के करीबी दोस्त की सियासत से हौसला मंद बतूल सुपर ओवर के हाथों देख कर खुशी महसूस भी कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।